डोपामेट्रोल 40 mg इंजेक्शन, ये 40 mg में आता है, 60 mg में आता है और 25 mg में आता है। तो डोपामेट्रोल 40 mg इंजेक्शन आज हमारे पास है, जो कि फ्राइजर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं, तथा इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल इसके अंदर है मिथाइल पेडिसोलम 40 mg इसके अंदर डाला गया है, तथा इसका MRP जो कि 2 ml का रहता है और 93.24 rupees इसका MRP है। डिपोमेट्रोल 40 mg इंजेक्शन के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, कि ये इंजेक्शन कब डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है, तथा इसको लगाने के बाद पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है या क्या साइड इफेक्ट होता है, तथा इसको लगाने का क्या सही डोज है, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। डोपामेट्रोल सस्पेंशन जो कि इंजेक्शन के अंदर है, वो 40 mg अपने पास इंजेक्शन है, जो कि ट्रीटमेंट करती है रूमेटिक डिसऑर्डर को, अस्थमा को, एलर्जिक कंडीशन को, आई डिसऑर्डर को, तथा स्किन डिसऑर्डर में भी इसको यूज़ किया जाता है, तथा इसको अगर आप डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो और ज़्यादा ही ले रहे हो तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोजिया, डाइजीनेस, हेडेक, स्वेलिंग और एडनमा, जैसे कि स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। तो ये इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह से ही आपको लगाना चाहिए, तथा ये इंजेक्शन डॉक्टर की नज़दीकी में ही यूज़ किया जाता है, तथा डोपामेट्रोल 40 mg इंजेक्शन जो कि एक स्टेरॉइड है, जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर को, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं इंफ्लामेशन के लिए, रेडनेस के लिए और एलर्जिक कंडीशन के लिए, तो इन केस में इसको यूज किया जाता है। डोपामेट्रोल 40 mg इंजेक्शन जो कि ट्रीटमेंट करता है इंफ्लामेशन से, सीवियर एलर्जिक के लिए और इलनेस के लिए यूज किया जाता है, तथा ये मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तथा इसको घर पे यूज़ नहीं करने का था, लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ नहीं करने का, और डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करने का है। अगर डोपामेट्रोल इंजेक्शन आप खुद से ले रहे हो तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, कि आपके फेस पे ड्राई ड्राई होगा, आपके फेस पे एक्ने आ सकता है, तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है, डॉक्टर की सलाह से आपको ये लगाना है। इस डोपामेट्रोल 40 mg इंजेक्शन के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।